नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं सौंदर्य वर्धक सरल प्रयोगों के बारे में, जिससे कि आप अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। बनाए की या स्किन की सुंदरता बनाए रखना चाहते हैं तो ये एपिसोड आप सभी के लिए है। आइए जानते हैं कुछ एक आसान सी होममेड रेमेडीज के बारे में, जिनके द्वारा आप सौंदर्य को बनाए रख सकते हैं। मदार के दूध में हल्दी घिसकर लगाने से झाइयाँ और चेहरे के हर प्रकार के दाग धब्बे मिट जाते हैं। चेहरे के दाग धब्बों को मिटाने के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा बादाम की गिरी को दूध में घिसकर लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है। तुलसी के सूखे पत्तों को गाय के दूध के साथ लगाने से चेहरे के काले दाग मिट जाते हैं। बरगद की नरम कपोलें और मसूर समान मात्रा में लेकर के गाय के दूध में पीसकर लगाने से चेहरे के काले दाग मिट जाते हैं। चेहरे के काले दागों को मिटाने के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। गाय के दूध में हल्दी घिस करके प्रतिदिन रात्रि को लगाने से चेहरे के सफ़ेद तथा काले दाग मिट जाते हैं। तिल के 100 ग्राम तेल को लेकर आग पर चढ़ाकर इसमें 50 ग्राम पपीते के बीज डाल दें। जब बीज जल जाएँ तब तेल को उतार कर छान लें। इस तेल को एक महीने तक चेहरे पर लगाने से चेचक के दाग मिट जाते हैं। नीम की निबोरियों को धो करके सिर में लगाने से जुएं मर जाती हैं। प्याज का रस लगाने से सिर की जुएं ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि सिर की जुओं को ख़त्म करने के लिए प्याज का रस बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बाल झड़ गए हैं तो उसे भी लाने में मदद करता है। 10 ग्राम फिनाइल को 40 ग्राम जल में घोल करके सिर में लगाने से जुएं एवं जूं नष्ट हो जाती हैं। सुहागा और फिटकरी 20-20 ग्राम लेकर के 250 ग्राम गर्म जल में मिला करके सिर पर मलने से जुएं मर जाती हैं। आम के अचार का एक वर्ष पुराना तेल प्रतिदिन सिर में मलने से गंज रोग मिट जाता है, यानी कि गंजेपन की शिकायत दूर होती है। 100 ग्राम नीम के पत्ते लेकर 1 लीटर जल में उबाल लें। इससे बाल धोकर के नीम का तेल लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है, गंज मिटता है और नए बाल आ जाते हैं। पत्ता गोभी के रस की मालिश निरंतर 1 महीने तक करने से गंजे बाल, यानी कि जिनके सर पर बाल न हो और बाल झड़ने की समस्या हो रही हो, ये दोनों रोग नष्ट हो जाते हैं इससे। इसके अलावा अमर बेल बूटी 250 ग्राम लेकर के 3 किलो जल में उबाल लें। जब आधा जल शेष रह जाए तब उतार लें। इससे सिर धोने से सिर के बाल बढ़ते हैं। इसके अलावा कलौंजी 50 ग्राम लेकर के 1 लीटर जल में उबालें। इस जल से निरंतर 1 महीने तक बाल धोने से सिर के बाल काफ़ी लंबे हो जाते हैं। लहसुन का रस निकाल करके सिर में लगाते रहने से लगभग 4 से 5 महीने में बाल उगने लगते हैं। नीम और बेर के पत्तों को जल में पीस करके सिर पर लगाएं और इसके 2 से 3 घंटे के बाद सिर धो डालें। इस प्रयोग से बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। बेरी के पत्ते और सीताफल के बीज बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। इससे बालों की जड़ों में लगाने से बाल बढ़ जाते हैं। आम की गिरी 10 ग्राम लेकर आंवले के रस में पीस लें। इसे सिर में लगाने से बाल घने और घुंघराले हो जाते हैं। शहद और प्याज का रस बराबर मात्रा में लेकर एवं मिला करके लगाने से सिर के बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। ये सिर के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है बालों को बचाए रखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।